पहले बिगिन क्या करना है, हम पीएचपी लर्न करने वाले हैं, ठीक है। अब पीएचपी को लर्न करते हुए पीएचपी की जो सारी की सारी जो हैंडलिंग है या जो भी आउटपुट है उसमें एक टर्म यूज होनी है जिसका नाम है इंटरनेट, ठीक है। अब इंटरनेट है क्या? अब बेसिक टारगेट क्या है? हमारे पास कई डेफिनेशंस हैं इसकी। कई बार हम इसको ये भी बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। मतलब डेफिनेशन क्या है, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और हम इंटरनेट पे कई तरह के काम कर सकते हैं। कोई एग्जांपल बता सकते हो इंटरनेट पे क्या क्या किया जा सकता है? इंटरनेट यूज करते हो पहले तो ये बताओ, करते हो तो क्या क्या यूज करते हो इंटरनेट की हेल्प से? इमेजेस का क्या? अच्छा, डाउनलोड कर सकते हैं इमेजेस, ईमेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी के साथ, इन अदर वर्ड्स चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ? रिमोट लॉगिन कर सकते हो, किसी के सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो सी, इस पूरे प्रोसेस में एक चीज समझ में आती है, इट्स मेन यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन। अगर मेरे पास कुछ बताने के लिए है और मैं उसे एक बहुत ज़्यादा मास को कवर करना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे को कुछ पता है, उसे बताने के लिए मुझे बैचेस फॉर्म करने पड़ते हैं, बैचेस फॉर्म करके मैं बच्चों को एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैं कितने बैचेस पढ़ा पाऊँगा? लिमिट है 10 या 8 बैचेस दिन के। हम मान लेते हैं हर बैच में 5 स्टूडेंट रहते हैं, यानी 40 बच्चे मैं टच कर सकता हूँ एक दिन के अंदर। पर अगर मुझे ज़्यादा मास कवरेज चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इंटरनेट पर अपने वीडियो लेक्चर डाल दूँगा। तो इंटरनेट पर वीडियो लेक्चर डालने से या यूट्यूब पर डाल दी तो उससे क्या होगा, डोमेन इंक्रीज हो गया मेरा, यानी मैं ज्यादा स्टूडेंट्स को टच कर सकता हूँ। तो यानी मेरे पास कुछ है उसे शेयर करने के लिए, इंटरनेट इज ए गुड टॉम, ये गुड थिंग कह सकते हैं। अब इसको कहा क्या जाता है, अ टेंजिबल फिजिकल सिस्टम मेड टू मूव इंफॉर्मेशन, मतलब एक डेफिनेशन ये भी कंसिडर की जा सकती है। इतना पॉइंट हमें समझ में आ गया कि इंटरनेट से आप इंफॉर्मेशन को मूव कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होता है कि किसके में जरूरत पड़ेगी, तरीका क्या होगा, व्हाट विल बी द वे जिससे कि हम इसे मैनेज इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, या क्या तरीका है मेरे पास, या मैं इस अभी इस लेक्चर के अंदर इस बात पे फोकस करने वाला हूँ बैकग्राउंड में क्या चलता है, बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे होती है। मेरा ये सिस्टम रहा, एक पता नहीं कितनी दूर सिस्टम पड़ा हुआ है, उस तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंच जाती है। सिंपल से एग्जांपल, मैं व्हाट्सएप पे एक मैसेज टाइप करता हूँ, जिस पर्टिकुलर फोन को मैं टारगेट करता हूँ उस नंबर पे जाके वो मैसेज भी पहुंच जाता है। तो उसके पीछे वर्किंग क्या है, ये किस तरीके से ये डील करता है। अब एक छोटी सी बात है, अब मुझे कंप्यूटर वर्क विद बाइनरी फॉर्म ऑफ डेटा, कंप्यूटर को बाइनरी फॉर्म समझ में आती है, यानी बाइनरी फॉर्म का मतलब बिट्स, आइदर 0 और 1, और 0 मीन्स ऑन या ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन। मतलब इस टर्मोलॉजी के अंदर इंफॉर्मेशन से समझ में आती है, यानी कंप्यूटर सिर्फ इसी फॉर्म में इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। तो इट मीन्स इंटरनेट शिप इंफॉर्मेशन इन बाइनरी या बिट्स, ठीक। अब एक सिंपल सा फंड है, जैसे 0 लिखा तो 1 बिट, 1 लिखा तो भी 1 बिट। इसका तो आइडिया है 1 बिट्स 1 बाइट के इक्वल होता है, ठीक। 1024 बाइट 1 किलो बाइट के इक्वल होता है, और 1024 किलो बाइट आपका 1 मेगाबाइट का इक्वल होता है, और 1024 मेगाबाइट गीगाबाइट। लेकिन आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, आजकल ये भी एक नॉर्मल टर्म यूज करने लगे हैं, गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, ठीक है। तो दीज आर नॉट न्यू टर्म्स, आजकल ये यूज टू हो गए हैं, ये टर्म्स तो आपको सुनने को मिलेंगे मिलेंगे। और 1024 टेराबाइट अभी भी दिन नहीं है, पैराबाइट होता है। तो इस तरीके की टर्मोलॉजी बहुत जल्दी है, यानी जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी वो सारी की सारी इन द फॉर्म ऑफ बिट्स होगी।
अब चलो ठीक है, बिट्स जब हम लेते हैं तो एक टर्म आती है हमारे पास, अब मुझे इंटरनेट चाहिए, तो इंटरनेट के लिए क्या चाहिए होगा मुझे, मोबाइल्स, पर मोबाइल्स के साथ भी बेसिकली हम एक इंटरनेट कनेक्शन की बात करते हैं कि एक इंटरनेट कनेक्शन हो मेरे पास होना चाहिए, तो उसको कहा जाता है IS, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इनका काम होता है इंटरनेट को सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे मुझे घर में लगाना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, BSNL का कनेक्शन होना चाहिए हमारे पास नॉर्मल सिचुएशन में। तो आप क्या करोगे, BSNL का कनेक्शन हो गया, उनको एक एप्लीकेशन लिखोगे कि मुझे घर पे इंटरनेट चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो जो उनकी वायर्स होती हैं वो वायर्स आप इस फोन के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है, जिससे कि BSNL एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करता है। जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं इंटरनेट पे, तो पहले वो BSNL की जो वायर्स हैं उनके थ्रू उनके मेन स्टेशन तक जाती है, मेन स्टेशन से वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कौन से सर्वर पे कि आप डिमांड कर रहे हो, देन आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। इतना पॉइंट गेट हुआ, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। अब सी आइडिया का 3G कनेक्शन है, तो उसका मतलब क्या है, आपका प्रोवाइडर आइडिया है, तो जो भी अगर आपके इंटरनेट की रिक्वेस्ट है तो वो किसी तरीके से उस कनेक्शन तक पहुंचती है, ठीक। अब चलो ISP पर, इससे तुम्हारा इंटरनेट लगेगा। अब एक टर्म आती है वेब पेज। अब ये क्या है, पेज विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड वेब पेज। यानी वेब पेज क्या होगा, कोई भी पेज होता है जो आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा दे इंटरनेट पे, तो उसको हम वेब पेज कहते हैं। अब इतनी बातों से हमें आगे कि वेब पेज है, तो कई बार हम जब साइट विजिट करते हैं तो हम यही तो बोलते हैं कि मैंने एक वेब पेज विजिट किया, ठीक। फिर एक टर्म आती है वेब साइट। मोस्टली स्टूडेंट ये सोचता है कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट, बट लेकिन डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज है। कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटर लिंक्ड वेब पेजेस, यानी कि अगर वेबसाइट या वेबसाइट क्या होगी, कलेक्शन तो है वेब पेजेस की, पर वो वेब पेजेस ऐसे होने चाहिए जिनमें जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरलेटेड होनी चाहिए। लेट अस ज्यूम करो आप किसी, आप ऑनलाइन शॉपिंग की कोई साइट विजिट करते हो, तो आपके बैक ऑफ द माइंड होगा कि जो भी वहाँ कंटेंट आपको मिलेगा वो रिगार्डिंग शॉपिंग होगा, ठीक। तो जितने भी वेब पेजेस बनते हैं वो सारे आपको क्या देते हैं, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू शॉपिंग। अब इंटरलिंक का मतलब क्या है, आप एक्स पेज से उसके वाई पेज तक जा सकते हो, वाई से जेड पे जा सकते हो, जेड से डब्ल्यू पेज तक जा सकते हो, तो सारे पेजेस आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, यानी एक पेज पे पहुंचकर आप किसी भी पेज पे मूव ऑन कर सकते हो, ठीक। इतना गेट होता है। अब एक टर्म आती है बैंडविड्थ, ठीक। यानी जब हम इंटरनेट लेते हैं तो हमें बैंडविड्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, या जिसे कई बार हम अगर एक जनरल भाषा में बात करें तो स्पीड बोलते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन कैपेसिटी। यानी अब एक ट्रांसमिशन कैपेसिटी कितनी है, आपने एक इंटरनेट कनेक्शन ले लिया तो एक टाइम पर कितनी स्पीड का ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे आप सुनते हो 2G 3G 4G, वो बेसिकली है क्या, वो एक स्पीड के टारगेट को शो करते हैं। अब दिस इज मेजर्ड बाय बिट रेट, और ये हमेशा बिट रेट से मेजर की जाती है। अब बिट रेट होता क्या, द नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड अ सिस्टम कैन ट्रांसफर, ठीक। तो जैसे आपने नाम सुने होंगे, मेरी स्पीड 2 Mbps है, ठीक है। अब कभी भी हम यहां पे ये बोलते हैं 2 Mbps, ठीक है। तो कई बार बच्चे यहां क्या गलती करते हैं, वो MB का मतलब लगा लेते हैं 1 MB, और 1 MB का मतलब 1024 KB, तो 2 Mbps का मतलब है, 2 Mbps का मतलब 2 × 1024 × 1024 bits per second, ठीक है। तो यहां पे बिट बनेंगे, और यहां क्या बन रहा था, बाइट। तो
तो ये वैल्यू ज़्यादा बनती है, ये वैल्यू कम बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये 2 Mbps वगैरह का स्पीड लेकर चलते हैं। इस स्पीड्स का आइडिया होना चाहिए कि जब हम इंटरनेट की स्पीड की बात करते हैं तो ये जो Mbps होता है ये मेगा बिट होता है, ना कि मेगा बाइट होता है। और बींग एक हम जो लोग हैं तो हमें इसका पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कई बार आपने देखा होगा हम पेन ड्राइव लगाते हैं तो पेन ड्राइव में भी आता है एक USB 3 आया है, ठीक है। USB 3 आ गई है, जो आप लैपटॉप देखोगे ना तो उनमें कुछ ब्लू कलर का ग्रीन कलर का USB पोर्ट आता है, वो ये इंडिकेट करता है ये USB 3 है, तो उसका मतलब उसकी स्पीड पिछली वाली USB से फास्ट होगी। और आजकल पेन ड्राइव भी एक अलग डिजाइन के आते हैं, उनका अंदर जो पेन ड्राइव के अंदर देखोगे ना तो वो ब्लू कलर की या ग्रीन कलर का उनका सिंबल होता है, जो ये इंडिकेट करने के लिए कि ये USB 3 है, और उसका मतलब स्पीड आपको ज़्यादा मिलेगी, डेटा ट्रांसफर आपको फास्ट मिलेगा। चलिए ये तो 2 Mbps हो गया। अब उसके बाद आते हैं, अब दो वेब पेज वेबसाइट का तो समझ में आ गया, बट इंटरनली इंटरनेट फॉलो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, मतलब आपका ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, ठीक है। यानी जब हम इसमें काम करेंगे तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करके चलते हैं। तो अगर हम चेकआउट करके देखें तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं विनवर्ड में जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ थोड़ा मेरे पास ऑप्शन ज़्यादा होंगी। फोन बता दो मुझे इतना विजिबल है या चेंज करूँ, ठीक है। एक बार मैं टाइम्स में रोमन कर देता हूँ, 16 फोन डेज, ठीक है। तो मैंने इंटरनली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को ये फॉलो कर दिया। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में होता क्या है, मैं तो सर शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे बोर्ड यूज करना पड़ता है, ये भी ठीक है। एक आपके पास क्लाइंट होता है, तो मैं यहाँ आया, यहाँ लिया, एक मेरे पास क्लाइंट होगा, ठीक। इसी तरीके से मेरे पास एक सर्वर होगा, मतलब इस के अकॉर्डिंगली दो चीज़ें हैं, एक क्लाइंट है और एक सर्वर। अब होगा क्या, यहाँ पर ये यहाँ पर एक रिक्वेस्ट लेके जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर आके यहाँ लिया एड टेक्स्ट और लिखा रिक्वेस्ट टू सर्वर, इसका मतलब यह है कि आपने रिक्वेस्ट भेजी, उसने रिक्वेस्ट को यहाँ पर सेंड बैक कर देना। इसी तरीके से वापस आए और यहाँ पर आके यहाँ से भी एक रिक्वेस्ट जानी है और यहाँ लिया ठीक, यहाँ लिखा रिस्पॉन्स बैक टू क्लाइंट, ठीक। तो कुछ ऐसा होगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, सर्वर इस तरीके से डील इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से डील हो जाएगा। अब मैं यहां पर आपको इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो चेकआउट करना चाहता हूं, तो यानी अबाउट क्लाइंट बात करना चाहता हूं आपसे और अबाउट सर्वर बात करना चाहता हूं। अबाउट क्लाइंट क्या आता है, क्लाइंट है क्या, अगर मैं आपसे पूछूं हमारे पास क्लाइंट बोलेंगे किसको, हु इज क्लाइंट इंटरनेट में, तो कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है यूजर, आप क्या कहते हो, चलो ठीक है। पर देखो हम यूजर नहीं है, यूजर क्लाइंट नहीं होता इस एनवायरनमेंट में, इट इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर यूज टू सेंड रिक्वेस्ट टू सर्वर, मतलब इसका पहला काम है सॉफ्टवेयर जिसने रिक्वेस्ट को भेजना, एंड हैंडल द रिस्पॉन्स सेंड बाय सर्वर, मतलब इसके दो काम है, एक तो रिक्वेस्ट को भेजना, दूसरा रिक्वेस्ट को हैंडल करना। एग्जाम्पल और सच सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, और ये कोई सॉफ्टवेयर नया नहीं है, आपने बहुत बार यूज किया है,
वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर को हम क्या कहते हैं? क्लाइंट बोलते हैं। यानी इस इंटरनेट के एनवायरनमेंट में जब मैं क्लाइंट टर्म को यूज करूं तो उसका मतलब वेब ब्राउजर की बात हो रही है। एग्जाम्पल, आपको कितने वेब ब्राउजर के बारे में पता है? क्रोम, गुड, मोजिला, फायरफॉक्स, ठीक, और सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेटर, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ठीक, तो इसका आइडिया लग गया। अब सर्वर क्या है? इट इज ए सॉफ्टवेयर, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, यूज टू हैंडल रिक्वेस्ट बाय क्लाइंट। मतलब क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट दी उसे हैंडल करने का काम करेगा। प्रोसेस दिस रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। जनरेट अ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट विद एप्रोप्रिएट मैसेज एंड सेंड दिस रिस्पॉन्स बैक टू क्लाइंट। मतलब देखो, सॉफ्टवेयर का पहला काम क्या है? रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना, उसके लिए एक रिस्पॉन्स तैयार करना, और रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू एप्रोप्रिएट मैसेज हो, यानी कोई भी मैसेज हो सकता है, ठीक है, और उसे क्लाइंट को वापस भेजना। और सच सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड वेब सर्वर, मतलब इसको हम वेब सर्वर बोले। ठीक, अब इसके एग्जांपल क्या है? पहला अपाचे, IIS, दैट इज इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक, GWS, गल्फ वॉर सिंड्रोम, सॉरी गूगल वेब सर्वर। ठीक, लाइट पीडी एटसेट्रा, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा ये सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। तो यानी इसका मतलब अबाउट क्लाइंट ये इस तरीके का काम को वर्क करके चलते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है भाई ये इस तरीके से काम करता है, पर इसके बैकग्राउंड में क्या थ्योरी चलती है? बैकग्राउंड से मेरा मतलब यह है कि इससे हमें यह चीज तो पता लग गया, इसे सेव कर देता हूं। अब यह तो समझ में आ गया कि ठीक है क्लाइंट होगा, सर्वर होगा, इस तरीके से होगा। बैकग्राउंड में एक प्रोटोकॉल काम करता है जिसका नाम है HTTP, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या होता है? अब प्रोटोकॉल आपका क्या होता है? इसे कह देते हैं वेल नोन रूल्स, ठीक, एंड स्टैंडर्ड यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन मशीन्स। मतलब मशीन्स के अंदर अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है तो हम उसको यूज करते हैं। तो हमारे पास ये HTTP टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है। अब यानी कि आपने कोई भी साइट का देखा हो तो जैसे एक टर्म आती है URL, और URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर इसका एग्जांपल देखें, एग्जांपल कोई नई चीज नहीं, हमने कई बार देखा है HTTP://www.google.com। आप ऐसे साइट को विजिट करते हो तो ये HTTP ये बता रहा है कि ये इस प्रोटोकॉल पे काम करता है। और www.google.com क्या है? Here google.com is a domain name, ये डोमेन नेम है। एक्चुअली में क्या होता है? दिस डोमेन नेम इज एसोसिएटेड विद एन IP एड्रेस। एक IP एड्रेस से लिंकअप होता है। IP का मतलब इंटरनेट,
protocol that is unique address of a computer machine, मतलब कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस होता है. तो एक्चुअली में जिस सर्वर से आप कम्युनिकेट करने वाले हो ये उसका एड्रेस होता है, डोमेन नेम से इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है. ठीक है, तो यानी आप इस तरीके से ये सिनेरियो काम करते हैं. अब क्या होता है, यानी कि इसका मतलब मैं यहाँ पर होम में जाता हूँ, सिलेक्ट में ऑब्जेक्ट्स किया और ये सिलेक्ट किया. मुझे ऐसे ही डायग्राम अगेन वहाँ चाहिए, तो मैंने यहाँ पर आके जिसे मैं क्लाइंट समझ रहा था वो बेसिकली HTTP बेस्ड क्लाइंट, और जिसे हम सर्वर समझ रहे थे वो एक तरह का HTTP बेस्ड सर्वर. और जो ये रिक्वेस्ट जाती है एक ऐसी रिक्वेस्ट होती है HTTP रिक्वेस्ट होती है, और जो रिस्पॉन्स आता है HTTP रिस्पॉन्स विथ HTTP स्टेटस कोड. अभी HTTP स्टेटस कोड क्या है ये देखते हैं. तो अब मैं ये देखना चाहता हूं HTTP स्टेटस कोड क्या है. इट इज ए नंबर विच इंडिकेट्स व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रिस्पॉन्स. जैसे हम एक छोटा सा काम करते हैं, ठीक है. अब छोटा सा काम क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं, मैं कुछ साइट्स विजिट करके दिखाता हूं. मैं अपने क्रोम को ओपन कर रहा हूँ, जैसे ही क्रोम ओपन होता है फिर मैं हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं. जैसे अब भी आप कोई साइट विजिट करते हो, तो जब साइट विजिट होती है तो जब रिस्पॉन्स वापस आता है आपके वेब ब्राउजर के पास, तो उसको एक इंडिकेशन, एक नंबर बेसिकली आपके पास आता है. यहां पर आता हूं, यहां पर कुछ नंबर है 200 मींस ओके, 404 मींस नोट फॉर्म, 500 मींस सर्वर है. मतलब ये इस तरीके से आपको एरर शो करते हैं. मैं दूसरा ब्राउजर ओपन कर लेता हूं, मे बी ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. यहाँ है देर इज ऑप्शन इंस्पेक्ट एलिमेंट, क्लिक करो. ये आजकल लेटेस्ट ब्राउजर्स में मिलता है आपको, और देर इज सेक्शन नेटवर्क. तो नोटिस करो, मैं यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ grepus.com के अंदर मैजिक वाली फाइल निकाल के दे. तो जैसे मैं इसे रन करूँगा, अब एक्चुअल में grepus.com में ऐसा कुछ नहीं है. इसने यहाँ दिखाया क्या लिखा रहा है, 404. जो ये बता रहा है क्या है, ये स्टेटस कोड, जिससे ब्राउजर को ये पता लग गया कि ये एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक, अब मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ grepus.com विजिट करता हूँ. अब आप यहाँ पर देखना क्या हो रहा है, क्या लिखा रहा है 200 200. क्लिक करता हूँ इनमें से किसी के ऊपर, स्टेटस कोड इज 200 मींस ओके. क्लियर द आइडिया. उसका मतलब ये नंबर ब्राउजर को ये बताता है कि उसकी रिक्वेस्ट का क्या हुआ, हैंडल हुई नहीं हुई, क्या हुआ वो चीज बताता है. तो ये नंबर हमें पता होना चाहिए. ठीक, अब यहां पर टू फीचर्स ऑफ HTTP है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. पहला फीचर क्या है, पहला फीचर है कनेक्शन लेस. यानी जो ये HTTP का एनवायरनमेंट है, जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, बाकी ये जितना भी फॉर्मुलेशन होता है ये सारा कनेक्शन लेस है. कनेक्शन लेस से मतलब क्या, कनेक्शन लेस का मतलब HTTP मेंटेन कनेक्शन ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर until the response is finally delivered to client. यानी जो connection establish होता है, जैसे क्या हुआ, आपने request की कि मुझे grepus.com दो,
तो आपके ब्राउजर ने कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का अटेम्प्ट किया होगा grepus.com के सर्वर से, वो वहां गया होगा, उसने सर्वर से कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद रिस्पॉन्स भेजा, जैसी रिस्पॉन्स की डिलीवरी होगी कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, ठीक। यानी कि और ऐसा क्यों किया जाता है, सर्वर पर ज्यादा बर्डन न, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूटी में वो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा तो वो सर्वर किसी और को सर्व नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये थोड़ा स्केलेबल है तो इसको कनेक्शन लेस रखा गया है, ठीक। दूसरा आता है हमारे पास ये स्टेटलेस है, HTTP नेवर स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट ऑन रेगुलर ट्रिप टू सर्वर। अब इसका मतलब क्या है, आपका जो HTTP है वो कभी याद नहीं रखता कि कौन सा क्लाइंट विजिट हुआ, ठीक है। अब जैसे मान लो होता क्या होगा, क्लाइंट कुछ इंफॉर्मेशन लेके सर्वर पर गया, कनेक्शन ब्रेक हो गया, अब ब्रेक होने के बाद उसने कुछ नहीं रखा उसका अपने पास, और इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, फॉर ए सर्वर ईच वेब रिक्वेस्ट इज ट्रीटेड एज अ न्यू वेब रिक्वेस्ट बाय अ न्यू क्लाइंट, मतलब हर क्लाइंट के लिए एक नई रिक्वेस्ट है। तो ये थोड़ा सा रहता है हमारे पास, यानी जो सर्वर है सर्वर के लिए हर क्लाइंट एक नया क्लाइंट, इसको आप ऐसे मान के चल सकते हो, तुम लोग मेरे पास आए मैंने तुम्हारा कुछ नहीं सेव किया, तो जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो मेरी नजर में तुम नए स्टूडेंट हो, नहीं मैं आया मैंने यह किया कि एक्सेल की फाइल में तुम्हारी डिटेल्स सेव कर ली, तो उससे क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम आई कैन रिकॉग्नाइज यू। तो उसी तरीके से सर्वर HTTP कुछ नहीं स्टोर करता, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर वही क्लाइंट सेम क्लाइंट दोबारा रिक्वेस्ट लेके आ गया तो उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, ठीक। तो ये एक स्टेटलेस का फीचर होता है, ठीक। इतनी टर्म्स तो हमें समय में आ गई, ठीक है, इस तरीके से काम होता है। बेटा मुझे करना क्या है, मुझे कुछ लुक एंड ये वेब पेज बनाने हैं, यानी अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप है हाउ टू क्रिएट वेब पेजेस, ठीक। तो इन 1990 ए पर्सन था टिम बर्नर्ली हैज बिल्ड अ वेब पेज, जिसने सबसे पहले वेब पेज बनाया, ठीक है। और देर इज W3C जिसे बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम विच डिसाइड वेब स्टैंडर्ड्स, मतलब वेब पे क्या चलेगा वो ये एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है, ठीक है। तो यानी कोई अलग से लैंग्वेज नहीं है, यही एक लैंग्वेज है जो आपकी गए थे वेब पेजेस को डिसाइड करके चलती है, ठीक है। तो अब यानी कि ये कंसोर्टियम डिसाइड करती है वेब स्टैंडर्ड, तो इसका मतलब इसने जो बता बोल दिया कि भाई ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो पूरी इंडस्ट्री उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करती है इंटरनेट के, यानी इंटरनेट पूरा का पूरा स्टैंडर्ड पे काम चलता है। तो इनके अकॉर्डिंगली HTML लैंग्वेज, या HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस, यानी आपकी जो हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है वो आपकी वेब पेजेस बनाने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। फिर देन आफ्टर क्या हुआ, HTML से मार्कअप लैंग्वेज बनने लगी, देन CSS आई, ठीक। अब CSS इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट used to create style rules for HTML web page, यानी कि HTML का काम है वेब पेज को बनाना, अब उस वेब पेज की स्टाइलिंग करनी है, स्टाइलिंग मीन्स लुक एंड फील को आप इम्प्रोवाइज करना चाहते हो, जैसे HTML से क्या होगा वेब पेज बन जाएगा, ठीक। बट अगर आप चाहते हो वो थोड़ा ब्यूटीफाई हो, थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज हो, तो देर इज CSS, तो CSS उसकी लुक करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ HTML plus CSS gives us वेब पेज, इसे मिलाकर आपका एक वेब पेज बन जाएगा। तो इसका मतलब यह होगा कि अगर मुझे एक वेबसाइट बनानी है तो आई नीड सिंपली HTML प्लस CSS, बट विद द यूज ऑफ दीज टू
technology, we can only create static web pages. And iski help se aap sirf static web pages bana sakte. The question is, what is static web page? Static web page ka matlab, the content of this web page is changed on manual effort. अब स्टैटिक वेब पेज का मतलब क्या होता है? कई बार स्टैटिक वर्ड का मतलब बच्चे ये लगा लेते हैं फिक्स्ड, कि ऐसा वेब पेज जिसका कंटेंट फिक्स है, पर ये नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है एक ऐसा वेब पेज जिसके कंटेंट को कभी आपको फ्यूचर में चेंज करना पड़ा तो आपको उसको मैनुअल एफर्ट से चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने इतनी सारी थ्योरी लिख दी है, आपके सामने लिख रहा हूं, अगर मान लो इस थ्योरी में कुछ चेंज हो जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई अगेन ओपन दिस फाइल, डबल क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा, और ओपन करके क्या करूंगा? चेंज करूंगा। दिस इज द प्रोसेस। तो इसका मतलब ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये कैसा है? स्टैटिक है। कभी अगर फ्यूचर चेंज करना पड़ा तो मैनुअल एफर्ट से चेंज होगा, आपको अगेन ओपन करना पड़ेगा, चेंज करना। तो HTML CSS में अगर वेब पेज बन जाते हैं, फ्यूचर में कभी कंटेंट चेंज करना पड़े तो वो फाइलें दोबारा से ओपन करनी पड़ती हैं, एंड यू हैव टू अप्लाई मैनुअल एफर्ट्स। ठीक। अब जैसे अगर इसी को थोड़ा सा एलैबोरेट करके देखें, लेट अस टेक एग्जांपल कि फेसबुक मान लेते हैं HTML और CSS वेब पेज पे बनी हुई, ठीक, मान लेते हैं उसमें एक प्रोफाइल पेज होता है। अब उस प्रोफाइल पेज को अगर ध्यान से देखें, मेरी फोटो आती है, ठीक, मेरा नाम आता है, मेरी बर्थ डेट आती है, फर्दर और भी इंफॉर्मेशन आती है, और हर ये इंफॉर्मेशन हर पर्सन की अलग होती है। अगर उन्होंने खाली HTML और CSS यूज किया होता तो उन्हें कितने वेब पेज बनाने पड़ते हैं? फेसबुक पर बिलियन यूजर्स, तो क्या वो बिलियन वेब पेजेस बनाएंगे? पहला क्वेश्चन। सुनने में बड़ा साउंड बैड लगता है कि यार ऐसा थोड़ी होगा, ऐसे करने लगा तो फेसबुक तो फिर तो पता कितने लोग उठाए होंगे कि हर रोज कोई नया प्रोफाइल बनाता है तो वो नई प्रोफाइल बनाने में लगे रहते होंगे। तो टेक्निकली ऐसा है नहीं, उन्होंने कुछ और यूज कर रखा। तो यानी कि नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास, एग्जाम्पल में कोई डाउट तो नहीं है फेसबुक के? अगर मैं HTML CSS से बनाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा, हर पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए मुझे अलग वेब पेज बनाना। तो डायनेमिक वेब पेज होता है जिसमें क्या होता है, द कंटेंट ऑफ दिस वेब पेज इज चेंज अकॉर्डिंग टू सम प्रोग्रामिंग एफर्ट। मतलब कुछ प्रोग्रामिंग एफर्ट से मैं उसके कंटेंट को चेंज कर सकता हूँ, मतलब मैनुअल एफर्ट नहीं लगेगा, हम एक प्रोग्राम बना देंगे जिस प्रोग्राम से बनाने के लिए मुझे उसे चेंज करना आसान है। इतना आइडिया ग्रास्प होता है स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेजेस का। ठीक। अब क्वेश्चन ये उठता है, हाउ टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेजेस, मैं डायनेमिक वेब पेजेस को कैसे क्रिएट करूं? ठीक। अब होता क्या है, we need to add extra code in our HTML web page. इसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा कोड ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आपने कोड तो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, देन नेक्स्ट एफर्ट क्या होगा? नेक्स्ट एफर्ट होगा मेरे पास कि एक्स्ट्रा कोड तो ऐड कर लिया, दिस एक्स्ट्रा कोड इज रिटन इन ए लैंग्वेज called script language. देखो हमारे पास कई तरह की languages आती हैं computer system के अंदर, एक programming languages होती हैं और एक script languages होती हैं। दोनों languages में एक little सा फर्क है। Script language को हमेशा कोई दूसरा environment चाहिए होगा execute करने के लिए, जैसे script language को need HTML, ठीक, but जो programming languages होती हैं वो standalone work करती हैं, like C है, तो सी को किसी दूसरी लैंग्वेज के एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है, उसका अपना एनवायरनमेंट है, उस पर चलती है। पर स्क्रिप्ट लैंग्वेज को हमेशा किसी दूसरी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक। अब दिस कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड, मतलब ये जो आपने एक्स्ट्रा कोड लिखा है ये दो जगह एग्जीक्यूट हो सकता है, या तो क्लाइंट साइड एग्जीक्यूट होगा या सर्वर साइड एग्जीक्यूट होगा।
तो हम यहाँ पर आते हैं, एक टेबल ऐड करता हूँ, तो यहाँ मैं लिखता हूँ, एक तो बनती है मेरे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज और एक बनती है मेरे पास सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज, यानी एक मेरे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज है और एक मेरे पास सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज। ठीक, अब इन दोनों को कैसे टैकल करेंगे। अब पहला, कुछ यूजर्स है, आपने कभी स्लाइड शो देखा है साइट्स के अंदर, जैसे एक इमेज आती है थोड़ी देर बाद दूसरी इमेज आ जाती है, तीसरी इमेज आ जाती है, तो यानी यहां पर क्या यूज हो रहा होगा, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट यूज हो रहा होगा। ठीक, दूसरा पॉपअप विंडो, पॉपअप विंडो जैसे आप चैट पे किसी पर्सन के फेस पे क्लिक करते हो, चैट का बॉक्स ऐसे करके खुल जाता है, दैट इज नोन एज पॉपअप विंडो, तो उसे बनाने के लिए ये आ जाता है। डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन जैसे आपने कोई फॉर्म भरा, उसमें एक ऑप्शन दी पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, जैसे आप सबमिट करते हो तो साथ के साथ आ जाता है कि भाई पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं करते। अब इस चेक को करने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप उसे कहाँ जाओ, पहले वो डेटा को लेकर सर्वर तक जाए, सर्वर बताए कि भाई गलत डाला है, फिर बताए, पर इस चक्कर में दो चक्कर लग जाएंगे, एक यहाँ जाकर फिर वापस, तो इट टेक्स सो मच टाइम। तो डेटा वैलिडेशन को क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट से करने से बेनिफिट क्या है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स आता है। दूसरा यूआई इंप्रूवमेंट्स, और यूआई यहां पर है यूजर इंटरफेस, लाइक एक मेगा मेनू आते हैं आजकल, ये ट्रेंड बहुत ज्यादा है। अब ये मेगा मेनू होते क्या है, ये मैं दिखा देता हूं, मैं jabong.com पे जाता हूं, ये आ गया, जैसे ही मैं कर्सर पे लेके जाता हूं, सी बहुत बड़ा मेनू आ रहा है, तो जो ये मेनू है, अब सी ये मेनू अभी अगर मैं देखूं साइट का कंटेंट फिक्स्ड है, पर ये कंटेंट अपीयर कब होगा, ऑन माय इंटरेक्शन, अभी कंटेंट आपको अपीयर नहीं हो रहा, पर कब अपीयर होगा, जब मैं इसे इंटरेक्ट करूंगा। ठीक, तो इसके पीछे सर्वर साइड स्क्रिप्ट होगी। ठीक, अब एग्जांपल, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो इसमें काम होती है, वीवी स्क्रिप्ट, जे स्क्रिप्ट एंड अवर जावास्क्रिप्ट। तो ये लैंग्वेजेस किस पर्पस के लिए होती हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस हैं। इन काम, अगर आपके माइंड में कभी भी इस तरीके के काम को करने की इच्छा जनरेट हुई, या आपको लगा कि मेरे वेब पेज में ये चीज होनी चाहिए, तो आप समझ जाना आपको इसे यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर आता है यूजर्स में, सबसे पहले डेटाबेस इंटरैक्शन। अब डेटाबेस इंटरैक्शन का मतलब क्या, देखो मोस्टली साइट्स को डायनेमिक कंटेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो कंटेंट साइट पे आ रहा है उसे किसी सिस्टम यानी डेटाबेस के अंदर सेव कर लेते हैं। डेटाबेस में सेव करने से मुझे क्या फायदा होता है कि जब भी वो फेच करेगा डेटा दिखाने के लिए, तो कहां से फेच करेगा, डेटाबेस, और डेटाबेस से फेच करने से मुझे क्या फायदा हो जाएगा, मुझे ये फायदा हो जाएगा कि जैसे उसने डेटा फेच किया साइट पे दिख गया, मैंने उस डेटाबेस में चेंज किया, अगली बार जब वो पिक करेगा डेटा तो कैसा डेटा विजिट करेगा, दिखाएगा डिफरेंट डेटा शो करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आपको डेटाबेस रिलेटेड कुछ करना है तो देन देयर इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज। सेकंड आपके पास आता है स्टेटफुल एप्लीकेशन बिल्डिंग, अगर आप कुछ स्टेटफुल बनाना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। स्टेटफुल एप्लीकेशन मीन्स, मैंने बोला था ये स्टेटलेस होता है, यानी ये क्लाइंट को याद नहीं रखता, लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करने में तो मुझे याद रखता है, जैसे आप फेसबुक से लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने पर क्या होता है, आप ही का कंटेंट नजर आता है, किसी और का थोड़ी आता है। ठीक, यानी कि अगर आपने कुछ लॉगिन लोगो फंक्शनैलिटी रखनी है अपने, या रजिस्ट्रेशन सिस्टम रखना है, तो उसके पीछे आपको सर्वर साइड स्क्रिप्ट लेनी पड़ेगी। अब बात आती है एग्जांपल,
एएसपी, जेएसपी, पर्ल, पाइथन, रूबी, कोल्ड फ्यूजन, ये सारी लैंग्वेज के नाम है। एंड यूर पीएचपी, और पीएचपी की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। तो इसका मतलब अगर आप पीएचपी को सीख रहे हो तो आप पीएचपी से दो काम करने लायक बनोगे, डेटाबेस इंटरैक्शन, दूसरा मतलब वेब पेज पर। अगर आपको ये दो काम करने हैं तो पीएचपी का यूज है। इसके अलावा यूज किसका होगा, एचटीएमएल का, सीएसएस का, जावास्क्रिप्ट का, और साथ में पीएचपी। और डेटाबेस से डील करना है तो माइसक्यूएल। इतना क्लियर होता है तो आज इतना करना है, ठीक है। बाकी पेन ड्राइव दे दो मैं, ताकि तुम्हें ये जो कंटेंट मैंने लिखा है ये दे सकूं।